9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री राम सेवक पेकरा, विधायक भोजराम नाग समेत समाज के लोग मौजूद रहे। आयोजन में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विश्व आदिवासी अभियान एक ऐसा अभियान है जिस पर हमारी पीढ़ियां गर्व करेगी। हमारे देश में प्रकृति संरक्षित है तो वह हमारे वनवासियों की वजह से है। प्रदेश में 15 सालों का विकास है, इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बस्तर में नक्सलियों ने कैसे स्कूल व पंचायत भवनों को तोड़ दिया है, उसका फिर पुनर्निर्माण करना बड़ी चुनौती थी, हमने उसे स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ के विकास को धरातल से देखना चाहते हैं तो दंतेवाड़ा बीजापुर को देख सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब बस्तर का बच्चा बस्तर का कलेक्टर भी बनेगा। मेरी 15 साल पहले ये भी सोच थी कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई करें और ये सपना प्रयास ने पूरा कर दिखाया। छत्तीसगढ़ एजुकेशन हब बन गया है। पैसा पहले भी आता था और अब भी आता है। अब तक आधा बस्तर आधे अंधेरे में था। बड़ी चुनौती थी लेकिन मैंने स्वीकार किया। हर एक घर गली रोशन है। आने वाले 3 महीनों के अंदर 40 लाख बहनों के हाथ में मोबाइल होगा। अब मोबाइल की योजना से कुछ लोगों के पेट में पीड़ा हो रही है। जब मैंने चावल देना शुरू किया तो आलोचना की गई, लेकिन मैंने किया और आज मुख्यमंत्री होने के नाते मैं गौरव से कह सकता हूँ कि हमारा कोई भाई भूखा नहीं सोता। जब हमने चरण पादुका योजना शुरू की थी तब लोग कहते थे कि वनवासी जूते नहीं पहनते, आज उन्हीं वनवासियों के पैरों में जूते हैं। छत्तीसगढ़ एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और हमने एक नई पीढ़ी का संकल्प लिया है। जब हमारे दूरसंचार के बच्चे प्रयास के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, अलग अलग विद्यालय के माध्यम से किस प्रकार आगे बढ़े हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, कैसे बच्चे IIT में, IIM में जा रहे हैं, NIT में कितने बच्चे गए, कितने प्रोफेसर बने, कितने लेक्चरर बने, कितने डिप्टी कलेक्टर, कितने IPS IRS में सिलेक्ट हो रहे हैं। ये नई पीढ़ी का निर्माण एजुकेशन को प्रयास के माध्यम से जिस प्रकार आगे बढ़ाया गया है, रायपुर से लेकर दिल्ली तक एक प्रकार से कोचिंग के संस्थान स्थापित किए गए हैं। नई पीढ़ी कितनी जबरदस्त काम कर रही है इसको देखते हुए आज खुशी होती है। और ये ट्राइबल वेलफेयर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, सूरजपुर हो, वहाँ का एजुकेशन हो, वहाँ का स्किल अपग्रेडेशन का काम, वहाँ के BPO, वहाँ के हेल्थ और दूसरे सिस्टम जो काम कर रहे हैं, ये एक विकास की कहानी को बताता है। और आज मैं विश्व आदिवासी दिवस में उन बच्चों को शुभकामना देने आया था कि आप आगे बढ़ें, आपके लिए अवसर है और उस अवसर में सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि आप तेजी के साथ आगे बढ़ें और डेवलपमेंट के जितने काम है सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की प्राथमिकता में भी हमारा ट्रैवल क्षेत्र है। वो जब आते हैं, जो बीजापुर आते हैं, दंतेवाड़ा आते हैं, बलरामपुर आते हैं, अंबिकापुर आते हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विकास को हम और आगे बढ़ाएंगे। आज बच्चों का जबरदस्त प्रदर्शन था, मलखम का भी था, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए, बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनको लैपटॉप भी प्रदान किया गया। मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना। For more information, log on to www.clips.in.